तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा शहर और सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक वारंगल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर आप कई धार्मिक स्थलों और प्राचीन स्मारक पा सकते हैं। साथ में ये कई खूबसूरत झीलों का घर भी है और हरी भरी पहाड़ियाँ और खेतों से घिरा हुआ है। वारंगल हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि बाय रोड आपको 3 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। तो आप यहाँ पर एक दिन में आ जा सकते हैं, इसलिए ये हर किसी के लिए एक बेहतरीन वीकेंड गेटवे है, चाहे वो इतिहास प्रेमी हो या प्रकृति प्रेमी। वारंगल से सबसे निकटतम हवाई अड्डा हैदराबाद में है, इसलिए यदि आप हैदराबाद से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो हवाई यात्रा के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। हालांकि रेलवे द्वारा वारंगल सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप हैदराबाद से वारंगल के लिए सीधी ट्रेन पकड़ सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाएगा, लेकिन वारंगल सबसे बड़े शहरों में से एक होने के कारण यहाँ की सड़क बहुत ही अच्छी है और सड़क मार्ग से वारंगल आसानी से पहुँचा जा सकता है। वारंगल पहुंचने के लिए रूट है, पहला रूट है हैदराबाद से होते हुए भुवनगिरी, काजीपेट, हनमकोंडा जैसे शहरों से होकर वारंगल पहुंचा जा सकता है। ये NH 163 नाम से भी जाना जाता है, जिसे हनमकोंडा रोड भी कहा जाता है या वारंगल हाईवे भी कहा जाता है। ये सबसे छोटा और फास्टेस्ट रूट है। हैदराबाद से वारंगल जाने के लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट है हैदराबाद मंचिरियाल हाईवे। यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर पड़ जाता है हैदराबाद से तक और लगभग 4 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। ये रूट ज्यादा लंबा है और ज्यादा समय लेता है। दोनों ही रूट पर बहुत सारे साइट सीइंग मिल जाएंगे। हैदराबाद से वारंगल तक की सड़कें पूर्वी तेलंगाना के छोटे शहरों और गांवों से होकर गुजरती है। वारंगल पहुंचने से पहले रास्ते में आपको कई सारे पर्यटन स्थल मिल जाएंगे, जिसका आनंद आप उठा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे जो कि नेशनल हाईवे 163 पर राइड करते हुए मिल जाएंगे। वारंगल डेक्कन प्लेटू का एक हिस्सा है, जो कि शहर और उसके आसपास प्लेटू रीजन्स को समान मौसम देता है। यहाँ के समर्स ह्यूमिड और कभी कभी शुष्क भी होते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, और विंटर्स यहाँ के बहुत ही कंफर्टेबल महीने होते हैं और रात बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए ऑटम और स्प्रिंग यहाँ के सबसे बेस्ट मौसम है एक्सप्लोर करने के लिए। वारंगल घूमने का सबसे बेस्ट समय अक्टूबर से मार्च के बीच में है। बाकी मंथ्स आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बारिशें भी होती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। साथ में अगर आपको फेस्टिवल्स यहाँ के देखने हो तो सामक्का सारक्का यात्रा के दौरान विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर पड़ोसी राज्य के कई लोग इस कल्चरल गैदरिंग में हिस्सा लेते हैं। NH 163 हैदराबाद से होते हुए बीबी नगर, भोंगीर, रघुनाथपल्ली, घनपुर, काजीपेट होते हुए वारंगल पहुंचता है। तो ये जानते हैं कि इस राष्ट्रीय महामार्ग पर जाते हुए कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट पड़ते हैं। तो सबसे पहला डेस्टिनेशन है NH 163 पर श्री लक्ष्मी नरसिम्ह स्वामी मंदिर, यादागिरी गुट्टा। भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्ह स्वामी का एक लोकप्रिय हिंदू मंदिर है। ये तेलंगाना के नलगोंडा जिले के एक पहाड़ी पर स्थित है। यादागिरी गुट्टा रियागिर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और भोंगी शहर से 13 किलोमीटर और हैदराबाद शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर वीकेंड में बहुत भारी भीड़ होती है, तो हैदराबाद से वारंगल जाते जाते आप स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। अगला पड़ाव आपका इस रूट पर है जैन मंदिर, कुलपाकजी जैन मंदिर। ये 2000 साल पुराना श्वेतांबर जैन मंदिर तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के कोलानुपाका गाँव में स्थित है। ये हैदराबाद से 80 किलोमीटर दूर हैदराबाद वारंगल नेशनल हाईवे 163 मंदिर में 3 देवता है, भगवान ऋषभनाथ, भगवान नेमीनाथ और भगवान महावीर। भगवान महावीर की छवि हरे पत्थर से बनाई गई है और इसे माणिक्य स्वामी और जीवन स्वामी के नाम से जाना जाता है। मंदिर का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है और इसमें विजिटर के लिए आधुनिक सुविधा भी है। साउथ इंडिया में जैन टेम्पल सबसे पुराने जैन टेम्पलों में से एक है। साउथ इंडिया में जैन मंदिर की उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुकला, शांत और शांतिपूर्ण वातावरण, डिसेंट एकोमोडेशन इस
स्थान के पॉजिटिव है। वास्तुकला की सुंदरता से भरपूर इस मंदिर का रखरखाव बहुत ही अच्छा है। यहाँ का बहुत ही शांत वातावरण हर किसी को आकर्षित करता है। पूरे मंदिर में कैमरे का इस्तेमाल करना सख्त मना है और काले कपड़े पहनने की भी यहाँ परमिशन नहीं है। थोड़ा समय यहाँ पर बिताने के बाद आप अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल सकते हैं NH 163 पर। उसके बाद आप इसी रूट पर पड़ने वाला पेम्बरती मेटल हैंडीक्राफ्ट में शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि पेम्बरती में पड़ता है। यहाँ आपको पीतल के मोमेंटोस, पीतल की इंटीरियर डेकोरेटर आइटम्स जैसे कि ब्रास डोर, ब्रास मिरर्स, ब्रास वॉल हैंगिंग्स, मंदिर की सजावट की चीजें जैसे कि पीतल का ध्वज स्तंभ या पीतल का मकर थोरनम या चांदी का मकर थोरनम, पीतल की मूर्तियां या पंचलोहा मूर्तियां, पत्थर की मूर्ति, पीतल और चांदी के कवच या आवरण की मूर्तियां आपको मिल जाएंगी। तो यह शॉपिंग भी मस्ट विजिट है, जो कि NH 163 पर पड़ता है। उसके बाद NH 163 से गुजरते हुए आप मंडल गुडेम जलप्रपात देखने जा सकते हैं, जो कि फतेहशाहपुर गांव के पास एक सुंदर वाटरफॉल है जो हरियाली से घिरा हुआ है। पिकनिक मनाने या छोटी सी हाइक के लिए बहुत ही अच्छा है ये एरिया। उसके बाद आप खिला शाहपुर किला विजिट कर सकते हैं, जो कि क्विले शाहपुर में स्थित है। यहाँ आप प्राचीर से घिरे हुए एक पुराने किले के अवशेष को देख सकते हैं। एक छोटे हाइक के लिए ये बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, तो इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। शॉपिंग करने के बाद आप आगे राजावरम झील, जो कि घनपुर में स्थित है, यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर सनसेट दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ बड़ा सा एक तालाब है और ये जगह ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। घनपुर से निकलने के बाद आप अगली टूरिस्ट स्पॉट पहुंच सकते हैं, वो है बोटी। थोड़े से रिफ्रेशिंग के लिए आप बोटी फॉरेस्ट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप छोटी सी पिकनिक या विश्राम के लिए रुक सकते हैं। तो इस तरह से आप हैदराबाद से वारंगल जाते समय अपनी कार या कैब या बाइक से वीकेंड के लिए जा रहे हो तो इन जगहों को भी विजिट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिलीज में जो वारंगल विजिट करने वाले हैं, ताकि उन्हें रास्ते में पड़ने वाले ये कुछ नए पड़ाव भी पता चले। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।